डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर 20 डेज चैलेंज में ये 11th डे है। मैं ऑलरेडी 10 डेज की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं। आप सबको बता दूं कि आज 11th डे में कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर SSC की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, जो कि स्कूल से लगाकर कॉलेज और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको हर वो छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा जो आपको कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको। लास्ट में वीडियो के मैं जो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, उसको आपको सॉल्व भी करना है। तो हम लोग फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए बोर्ड पर आपको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड नरेशन। तो हम सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका यूज़ क्या है ना। हम स्कूल्स में भी देखते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी देखते हैं कि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले आप लोग नरेशन को समझिए एग्जैक्टली। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारा जो कन्वर्सेशन होता है वो दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। या तो आप उसमें सेंटेंस को डायरेक्टली बोलते हैं या फिर उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो आपकी जो स्पीच होती है, नरेशन होती है, वो दो प्रकार की हो जाती है। होती है आपकी डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पर दो लोगों के बीच में बात हो रही है। राम ने कहा मैं एक टीचर हूं। देखिएगा, पहले हिंदी में समझ लीजिएगा आप, है ना। अगर आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में आप अपने आप समझ जाएंगे, है ना। राम ने कहा मैं एक टीचर हूं, ये स्टेटमेंट राम का है और जैसा राम ने कहा एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को मैं अपने शब्दों में कहूंगा, राइट। तो मैं चेंज करके थोड़ा सा कहूंगा, मैं कहूंगा राम ने कहा कि वह टीचर है, ठीक है। ये हिंदी में बता रहा हूं मैं, अभी ये मत सोचना कि वह टीचर था हो जाएगा ऐसा कुछ भी, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट यहां पर ये दिया है भैया राम ने, ये डायरेक्ट नरेशन में दिया है, क्योंकि राम ने अपने आप को क्या कहा, मैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर ये आपने समझ ली तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। राम ने कहा मैं एक टीचर हूं। अब इस बात को जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हम कहेंगे राम ने कहा कि मैं टीचर हूं, अगर हम आप क्या कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ये मैं का हो जाएगा वह। वह क्यों भैया? क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, ठीक है, आप राम नहीं है। राम ने कहा कि वह एक टीचर है। तो ये जो आपने चेंज किया, ये आपने किसमें चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देंगे, इंग्लिश में होगा राम सेड आई एम अ टीचर। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे, जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे राम सेड दैट ही वॉज अ टीचर, राइट। ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। सैड लिखने से ये जो आई था इसका तो ही हो गया, और ये जो इज था इसका हो गया वॉज, राइट। ये जो इज है, एम है, सॉरी, यहां पर इसका हो गया यहां पर वॉज, अ टीचर का अ टीचर ही रहा। तो ये चेंजेस आए। अब इसका यूज होता है जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो स्टोरी के अंदर जब दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है तो वो कन्वर्सेशन इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, राइट। एंड दैट इज़ वाई अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है और आपको एक अच्छा इंग्लिश राइटर बनना है और इंग्लिश में राइटिंग में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करना है, तो आपको स्पीच पर कमांड होनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई स्कूल्स में बेसिक ग्रामर में इनडायरेक्ट स्पीच पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आप लोग सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में अच्छे से क्लिक कर लें। राम सेड जो है, ये आपका राम सेड आई एम अ टीचर, ये पूरा स्टेटमेंट इतना का इतना, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, या फिर आप इसे डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। ये दो भागों में डिवाइड होती है। इसमें राम सेड को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, आप लोग नोट करते चले इसको, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जिसमें आपको रिपोर्ट दी गई, रिपोर्ट क्या है, आई एम अ टीचर। रिपोर्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, रिपोर्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है और उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये टर्म थोड़ा सा याद रखिएगा, टर्मोलॉजी आप लोग, है ना। ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगी, राइट, वो होगी रिपोर्टिंग स्पीच, जिसके अंदर स्पीकर होगा, बोलने वाला, राम सेड, सोहन सेड, यू सेड, आई सेड, व्हाटएवर जो भी है, वो आपकी होगी रिपोर्टिंग स्पीच। और जो भी आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो होंगे आपके रिपोर्टेड स्पीच, राइट। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़कर आप बनाते हैं
इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका जो यहां से यहां तक बना है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते, ये पूरा कंप्लीट एक ही सेंटेंस है। गॉट इट? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब कैसे इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, वो सारे रूल्स मैं आपको अब बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस देख लीजिए आप। मैं यहां पर जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, शी सैड टू रोहन। अब वो रोहन से क्या कहती है, वो जो कहती हूं मैं यहां लिखता हूं, यू आर माई ब्रदर। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीबडी, शी सेड टू रोहन यू आर माई ब्रदर। ये स्टेटमेंट जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब इनको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो शी को एज इट इज लिखेंगे, ये जो सेड टू है इसका हो जाएगा टोल्ड, राइट? तो सबसे पहला रूल बनेगा यहां पर कि रिपोर्टिंग स्पीच में, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू का टोल्ड हो जाता है जब उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। पॉइंट टू बी नोटेड, जो उसमें क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो और आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये अफर्मेटिव हो तब। तो ये टोल्ड हमने कर दिया सबसे पहला रूल, ठीक है? अब टोल्ड के साथ में टू नहीं लगता है, सेड के साथ टू लगता है। सेड आपकी जो है ये एक ऐसी वर्ब है जो टू को कैरी करती है, लेकिन टोल्ड कैरी नहीं करती। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आती, तो शी इज टोल्ड डायरेक्ट आएगा रोहन। गॉट इट? ये लिख दिया हम लोगों ने। अब आगे लगाएंगे कनेक्टिव दैट। तो दूसरा रूल आपको लिखना है दैट कनेक्टिव का यूज करते हैं, का उपयोग करते हैं। भैया ये रूल्स आप लिखते चले, नोट्स बनाते चले आप, है ना? मैं सेंटेंस को चेंज करते चल रहा हूं, साथ में आपको बताते चल रहा हूं। अभी कितने चेंजेस किए हमने, दो। पहला सेट टू का टोल्ड किया, दूसरा दैट लगाया। अब तीसरा चेंजेस जो होता है वो मैं यहां लिख रहा हूं। तीसरा चेंजेस होता है प्रोनाउन चेंज। अब प्रोनाउन चेंज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे। यहां पर शी जो है बोलने वाली कौन है, शी, सुनने वाला कौन है, रोहन। बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को आई मानता है और सुनने वाला व्यक्ति को वो यू कहता है। तो आपके स्टेटमेंट में लिखा है यू आर माई ब्रदर, तो वो यू किसको बोल रही है, रोहन को। इट मीन्स इस यू का होगा ही। पॉइंट टू बी नोटेड, यू का होगा ही। माई ब्रदर मतलब किसका ब्रदर, उस लड़की का ब्रदर, तो इसका माय का होगा हर। अब माय का हर क्यों हुआ, शी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शी का पजेसिव हर होता है, जैसे आई का पजेसिव माय होता है उसी तरीके से शी का पजेसिव हर होता है। तो यू का ही हो गया और माय का हर हो गया, राइट? इसे कहते हैं प्रोनाउन चेंज। अब हम लिखते हैं इसको, ही वॉज हर ब्रदर, ये रहा आंसर। और चौथा चेंज टेंस चेंज, टेंस चेंज। प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज ये दो समझने वाले चेंजेस है, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट जो होता है वो यहीं पर कंफ्यूज होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हम भी जब क्लास में ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट ये दो चेंजेस में बहुत कंफ्यूज होता है। तो ये दो चेंजेस पूरी तरह डिपेंड करता है किसने किससे कहा। अगर मैं यहां लिखता रोहन सेड टू हर, राइट, यू आर माई सिस्टर, तो फिर आपको आंसर कुछ अलग मिलता, ठीक है? वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आप इसको समझे पहले। शी अपने आप को क्या कहेगी, आई, क्योंकि जो व्यक्ति बोलने वाला है, शी सेड, बोलने वाला कौन है, शी है, रोहन नहीं है। सुनने तो वाला कौन है, रोहन। सुनने वाले व्यक्ति को हमेशा यू माना जाएगा, तो जहां भी यू लिखा रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा रोहन। गॉट इट? और जहां भी आई लिखा है, मी लिखा है, माई लिखा है, उसका मतलब हो जाएगा जिसने बोला है, मतलब शी हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको समझना है, राइट? चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं जिसमें रोहन बोल रहा है। रोहन सेड टू हर, रोहन ने एक लड़की से कहा यू आर माई सिस्टर, यू आर माई सिस्टर। अब इसको कैसे चेंज करें हम, है ना? तो इसको थोड़ा समझिएगा आप, ध्यान से देखिएगा। रोहन सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हर
दैट। अब वो यू किसको बोलेगा? अब रोहन अपने आप को तो क्या बोलेगा? आई। और हर को क्या बोलेगा? यू। तो यू का हो जाएगा शी। अच्छा, शी क्यों हुआ? क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। शी, शी के साथ लगेगा वॉज। माई सिस्टर का हिज सिस्टर, क्योंकि वो किसकी सिस्टर है भैया? रोहन की। रोहन का पजेसिव क्या बनेगा? हिज, क्योंकि रोहन क्या है? रोहन एक लड़का है। लड़के के लिए जो पजेसिव यूज होगा वो होगा आपका हिज। तो कुछ इस तरीके से आपको हर एक चीज को समझते हुए चलना है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो टेंस चेंज क्या होता है? टेंस चेंज मतलब कि अगर आपको इज़ मार दिया है तो उसका वॉज वेयर कर दो, अगर आपको हैज़ यू दिया है तो उसका हेड कर दो, अगर आपको कैन दिया है तो उसका कुड कर दो, अगर आपको मे दिया है तो उसका माइट कर दो। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, अभी आपको आगे और भी टेंसेस के बेसिस पर एक्सप्लेन करूंगा कौन सा टेंस किस तरीके से चेंज होता है। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आया तो आगे की जो चीजें मैं एडवांस की आपको एक्सप्लेन करूंगा वो समझ में अच्छे से आएंगे। तो मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, एज का हेड, इज ए मार का वॉज वेयर हो जाता है। टेंस चेंजेस में बिल्कुल आपको याद रखना है। और टेंस भी कब चेंज होगा? जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो किस में होगी? पास्ट में होगी। मतलब ये स्टेटमेंट आपका अगर पास्ट में आ रहा है तो ही टेंस चेंज होगा। अगर वो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में आए, एग्जांपल देख लीजिए आप। मैंने कहा राम सेज टू हर, आई एम योर ब्रदर। अब मैं चाहता हूं इसको आप बनाकर दिखाएं कि क्या बनेगा। राम सेज टू हर, आई एम योर ब्रदर, राइट। ये जो सेंटेंस आपका बनेगा, इस सेंटेंस के अंदर आपको विशेष ध्यान देना है कि राम सेज टू हर, आई एम योर ब्रदर। इसमें यहां पर लिखा है सेज, राइट। और सेज लिखा है इस वजह से जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप कहेंगे राम टेल्स हर दैट शी इज हिज, सॉरी, आई एम योर ब्रदर। मतलब वो अपने आप को क्या मान रहा है? आई। तो इसका होगा ही, ही इज हर ब्रदर। ये इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है ना। तो राम टेल्स हर दैट ही इज हर ब्रदर। उम्मीद करता हूं ये चारों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज में करते समय हमें ये चार चेंजेस करने पड़ते हैं। पहला, रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू का टोल्ड कर देते हैं अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो, दैट कनेक्टिव का यूज करते हैं, तीसरा प्रोनाउन चेंज करते हैं, चौथा टेंस चेंज करते हैं। ये चारों चेंजेस आपको याद रखते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे, लेट्स सी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं और इनको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हम यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ऊपर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला, रोहन सेड टू गीता आई कांट हेल्प यू। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पहले आप लोग खुद इसको सॉल्व करके देखें, राइट। आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना अच्छा लेवल है ना। उसके बाद जब मैं आंसर्स बताऊंगा तो आप इसको मिलाकर देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया रोहन सेड टू गीता आई कांट हेल्प यू हियर। तो यहां पर रोहन बोलने वाला है, मतलब रोहन अपने आप को क्या कहेगा? आई। गीता सुनने वाली गीता को क्या कहेगा? वो यू। ये पहले समझ ले। दूसरा, सेड टू लिया है तो सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। और बीच में कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट। तो आधा आंसर तो हमने कर ही लिया है। आंसर बनेगा इसका, यहां लिखेंगे आंसर, रोहन टोल्ड गीता, आगे बताइए दैट। ओके, यहां तक तो हम लोग सबसे हो गए। अब हमें करना है प्रोनाउन चेंज। यहां पर आई जो है वो कौन है? रोहन। तो रोहन का आई से होगा ही। अब ही क्यों हो गया भैया? इसे कहते हैं प्रोनाउन चेंज। अब आई को एज इट इज नहीं लिख सकते यहां पर, क्योंकि जब आप किसी चीज को अपने शब्दों में कहेंगे तो रोहन ने अपने आप को आई कहा था, लेकिन आपके लिए तो रोहन क्या है? थर्ड पर्सन। तो आई का क्या होगा? ही। इसके बाद कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, जिसको शॉर्ट में कहेंगे कुडंट, राइट। इसके बाद हेल्प का तो हेल्प ही होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हेल्प भी की सेकंड फॉर्म अब लग जाएगी तो हेल्प करके आ जाते हैं। आपको याद रखना है कुड के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो आपको हेल्प को हेल्प ही लिखना है। यू किसको बोला जा रहा है? यू बोला जा रहा है गीता को। तो गीता यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आई है, इसलिए शी का हो जाएगा हर, और हियर का हो जाता है, फ्रेंड्स ध्यान देंगे, देयर। हियर का क्या हो जाता है? देयर। तो आपका आंसर बना रोहन टोल्ड गीता दैट ही कुड नॉट हेल्प हर देयर। दैट इज द एग्जैक्ट एंड द एप्रोप्रिएट आंसर, राइट। उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसा ही किया होगा। सेकंड में आपको लेकर चल रहा हूं, दे सेड टू हिम यू आर लिसनिंग टू अस। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं,
यू आर नॉट लिसनिंग टू अस, वो कंप्लेन कर रहा है, बोल रहा है कि तुम हमको सुन नहीं रहे हो, लाइक तो दे सेड टू हिम यू आर नॉट लिसनिंग टू अस, उन्होंने उससे कहा कि तुम हमें सुन नहीं रहे हो। तो ये जो लोग हैं अपने आप को क्या कहेंगे भैया, एक साथ कहेंगे तुम, वी, आई तो बोल नहीं सकती क्योंकि बोलने वाले ज्यादा है, और इसको क्या कहेंगे, यू कहेंगे। तो इस इधर जहां भी वी अस और लिखा रहेगा उसका चेंज होगा दे में, और इधर जहां भी यू लिखा रहेगा उसका चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, राइट। चलो हम इसको चेंज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा दे टोल्ड हिम। यहां तक तो ऐसा कैसा लिख देना, अभी चेंज नहीं करना है इनको, यहां पर चेंज मत कर बैठना, राइट। कुछ बच्चे नहीं तो ये सोचेगी इनको यहां पर हम चेंज कर दे, ठीक है, ये नहीं करना। दे सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हिम, कनेक्टिव क्या लगाया आपने, दैट यू किसको बोल रहे हैं, वो हिम को, तो इसका हो जाएगा ही, आर का हो जाएगा वॉज। अब बोलेंगे सर आर का वर क्यों नहीं होगा, ही के साथ वॉज लगता है इसलिए वॉज होगा, है ना। नॉट का नॉट ही होगा, लिसनिंग का लिसनिंग ही होगा, टू का टू होगा, और अस कौन है यहां पर, दे, तो इसका हो जाएगा देन। ये रहा भैया आपका आंसर, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाले पर ले चलता हूं मैं, शी सेड टू अस, एक लड़की है उसने हमसे कहा, मान लीजिए हम लोग सब यहां बैठे हैं और एक लड़की हमारे पास आकर क्या बोलती है, आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूं। अब सुनना इस बात को, उस लड़की ने हम लोगों से कहा कि मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूं, तो इसी बात को हम अपने शब्दों में क्या कहेंगे, उसने हमसे कहा कि वह हम लोगों को अच्छे से जानती है, वह हम लोगों को अच्छे से जानती है, मतलब इस आई का क्या होगा, वह मतलब कि शी, हम लोगों को अच्छे से जानती, मतलब यू का क्या होगा, अस, राइट। आप हिंदी में भी बोलकर उसको चेंज कर सकते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, शी टोल्ड अस दैट शी। अब ये नो जो है ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप सबको बता दूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है इसका हो जाता है पास्ट सिंपल, ठीक है। अगर आपको पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट दिया है तो उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट। ये पूरा नोट करके लिख ले आप, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट अगर आएगा तो उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, उसका वही रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो चेंज, राइट। लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर मान लो आपको आया पास्ट कंटिन्यूअस तो उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया तो उसका नो चेंज, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपको आएगा तो उसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, मतलब हैज़ेओ का हेड हो जाएगा, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके अलावा कैन का, ये भी यहां लिख देता हूं मैं, इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं, कैन का कुड, विल का वुड, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, हियर का देयर, राइट। ये इस तरीके के चेंजेस होते हैं, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, नाउ का देन, विल का वुड, कैन का कुड, मे जो है इसका हो जाता है माइट, ओके, मे का माइट, दिस का दैट, दीज का दोज, ये कुछ चेंजेस इस तरीके के होते हैं। ये सारे चेंजेस आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है, सारे चीजें जो है बहुत ही सरल है। चलिए अब हम आगे चेंज करते हैं, तो शी टोल्ड अस दैट शी, नो का हो जाएगा न्यू सिंपल पास्ट में, शी न्यू अस वेरी वेल, ये रहा आपका आंसर, राइट। अब देखिए कि आपने सही किया था। अगला देखिए, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, पेशेंट से कहा, यू विल गेट वेल सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो द डॉक्टर सेड भी कर सकते हो, अश्योर्ड भी कर सकते हो, चलो आपको टोल्ड ही बता दूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। द डॉक्टर टोल्ड पेशेंट दैट, अब पेशेंट जो है ये आपका कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मतलब कि मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब भी आपको कॉमन जेंडर आता है तो उसको हम लोग ही मानकर चलते हैं। तो यू का क्या हो जाएगा, ही, विल का वुड, ये लिखा है देखिए, विल का वुड, तो ही वुड गेट वेल
सून, ये रहा आपका आंसर। द डॉक्टर टोल्ड पेशेंट, टोल्ड ही है, द डॉक्टर टोल्ड पेशेंट दैट ही वुड गेट वेल सून। इसके बाद नेक्स्ट है, रवि सेड टू अस आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। तो इसको चेंज करेंगे, हम कहेंगे रवि सेड टू का क्या होगा भैया, टोल्ड अस दैट, आई यहां पर कौन है, रवि, तो रवि का क्या होगा, ही, हैव का हैड, ही हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, राइट, एज इट इज लिख देना उसको। सो रवि टोल्ड अस दैट ही हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। तो ये फाइव सेंटेंसेस अभी हम लोगों ने किए। अब मैं आपको एक चार्ट बना के बता रहा हूं कि कैसे आपको इस पर अच्छे से कमांड करनी है, राइट, और साथ ही आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखकर बताना है। सो लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा जा रही थी, दैट इज़ वाई मैं और फाइव एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ करने के लिए। सेकंड पार्ट इसका जो अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको एक चार्ट बना के बताऊँगा कि कैसे जब आपको सेंटेंसेस इंटरगेटिव दिए जाते हैं, WH दिए जाते हैं, तो उनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, साथ में इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज किया जाता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब ये फाइव सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पर देकर दे दिए हैं, ये पांचों सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप, और ये पांचों सेंटेंसेस के आंसर आप खुद लिखो और फिर मैं इनके आंसर्स आपको बताता हूँ, राइट, क्योंकि जब तक आप अफर्मेटिव और नेगेटिव को नहीं समझेंगे, आप इंटरगेटिव के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इंटरगेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव पड़ता है और उसके लिए आपको सबसे पहले अफर्मेटिव नेगेटिव आना जरूरी है। अफर्मेटिव नेगेटिव से मेरा मतलब है कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सी होनी चाहिए, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। अगर मान लो ये इंटरगेटिव आ जाए, जैसे दे सैड टू रोहन, डू यू नो मी, डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, वेयर आर यू, इस तरीके से अगर इंटरगेटिव हो जाए तो भैया उसके लिए रूल्स अलग है, है ना, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो इसका मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट टू जिसका नाम रहेगा, उसमें आपको तमाम प्रकार की चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इनके आंसर्स करिए, राइट, लेट्स सी कितने स्टूडेंट करेक्ट इसको आंसर करते हैं। तो इसका आंसर देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, दे सेड रोहन यू कांट डू दिस, तो दे किसको बोल रहे हैं, रोहन को, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे दे टोल्ड रोहन दैट, यू किसको बोल रहे हैं, वो रोहन को, तो यू का हो जाएगा ही, कैन नॉट का could not, do का do ही होगा, this का हो जाएगा that, right? तो they told, they said Rohan, they said, उन्होंने कहा Rohan you can't do this, Rohan तुम ये नहीं कर सकते, they told Rohan that he could not do that, that is the answer, right? अब मिलाइएगा क्या आपने भी यही किया। दूसरा देखिए, रवि said to Nisha I don't have any pen for you, तो इसका आंसर आएगा भैया रवि told Nisha that he, I कौन है यहाँ पर, रवि है, तो इसका हो जाएगा he, Do not का हो जाएगा did not, have का है भी रहेगा, have का head मत कर बैठना भैया आप, क्योंकि do not का did not कर दिया आपने तो have का अब head नहीं होगा, any pen का any pen ही होगा, for you, you किसको बोल रहे हैं, वो निशा को, तो you का हो जाएगा her, तो आंसर आएगा रवि told Nisha that he didn't have any pen for her, he said papa I want some money, यहाँ पर एक लड़का है उसके पापा को वो बोल रहा है, तो ये आप थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, he told his father, ये आपको एडिशनल लगाना होगा भैया, ही टोल्ड हिज फादर दैट, आई कौन है यहां पर, ही, तो इसका हो जाएगा ही, वांट का क्या होगा, वांटेड, सम मनी का सम मनी होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ही टोल्ड हिज फादर दैट ही वांटेड सम मनी, उसने उसके पापा से कहा कि उसको कुछ पैसे चाहिए थे, सो दैट इज द एग्जैक्ट आंसर, तो ये वांट का क्या हो गया भैया, वांटेड, ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए, शी सेड टू रोहन You can't imagine this. तो she told Rohan that you किसको बोल रहे हैं रोहन को तो he cannot का could not ये दो बार आ गया imagine का imagine ही होगा और this का क्या होगा that right तो कुछ इस तरीके से she told Rohan that he couldn't imagine that इसके बाद they said to Kamal we will give you something so they told Kamal That we का क्या होगा देखो we किसको बोल रहे हैं वो दे अपने आप को बोल रहे हैं तो इसका हो जाएगा दे विल का वुड गिव का गिव ही होगा याद रखना गिव का गिव मत कर बैठना भैया वुड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है यू किसको बोल रहे हैं वो यू कमल को बोल रहे हैं तो इसका हो जाएगा हिम समथिंग का समथिंग ही होगा अब देखिए क्या आपने सभी ने इस तरीके से किया है अगर आपने ऐसा ही किया है मतलब आपको
फाइव आउट ऑफ फाइव मार्क्स पूरे मिल गए राइट। और आपको ये समझिए कि बेसिक नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का समझ में आ गया। ज़्यादातर तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं आपको इंटरगेटिव के बारे में बताऊंगा कि इंटरगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। साथ ही इस पर बेस्ड क्वेश्चंस में करीब आपको 50 टू 60 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लिए टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। अगर वो ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया तो भैया उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें मिल जाए। और ये जो टॉपिक है कोई टफ नहीं है। अगर अभी भी एक बार नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मेरी गारंटी है। दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, टफ नहीं है राइट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूले। अगर लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।